थ्री नंबर में यहाँ पे एक व्हाट प्रॉब्लम दिया हुआ है, इन ए क्यूज टीम ए स्क्वाड, एक क्यूज हो रहा है और एक टीम बना हुआ है ए और बी, तो ए जो है वो इतना स्कोर करता है -40, -10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन थ्री सक्सेसिव राउंड, तीन राउंड चलता है और दोनों इस तरह से अपना नंबर वो गेन करते हैं। विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सा टीम ज़्यादा नंबर अर्जित करती है। कैन वी से दैट वी कैन एड इंटेजर्स इन एनी ऑर्डर, तो क्या हम कह सकते हैं कि इंटेजर्स जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं उसको किसी भी ऑर्डर में हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और यहाँ पे टीम ए क्या स्कोर करता है। टीम ए इक्वल टू -40, +10 और 0 को लेते हैं तो कोई भी नंबर नहीं आएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा -30। और टीम बी क्या गेन करता है, इक्वल टू ये है 10 और -40। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी -30 हो जाएगा। तो दोनों ही टीम सेम स्कोर करती है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बोथ टीम, तो दोनों ही टीम जो है इक्वल नंबर गेन करती है। और यहाँ पे लास्ट में जो पूछा गया, क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर में जोड़ने से वो उतना ही आएगा, तो जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, 40 जो है पहले लिया गया है और 10 बाद में लिया गया है, और यहाँ 10 पहले लिया गया है और 40 बाद में लिया गया है, तो दोनों ही ऑर्डर में जोड़ने से सेम आंसर आया है, इसीलिए हम दोनों ही ऑर्डर में इसको जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, लिख सकते हैं यस वी कैन एड एनी ऑर्डर, इस तरह से ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें भरने के लिए कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या भरना होगा। तो ये बनाना काफ़ी आसान होता है, यहाँ इक्वल आप देख रहे हैं, इक्वल के इधर कौन कौन सा नंबर है -5, -8 और इक्वल के इधर जो है -8 है, मतलब ये नंबर मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ यही नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ भरें कि इसका वैल्यू उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 0 डाल देते हैं, इसका वैल्यू सेम रहेगा, यही रहेगा। और यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ भरें कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पे 17 है, अगर -17 यहाँ डाल देते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -17 भर देते हैं, ये इस तरह से ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इक्वल टू है, तो इक्वल टू के इधर 3 नंबर दिया हुआ है और इधर 2 नंबर दिया हुआ है, 13 है 12 है, -7 नहीं है, तो यहाँ पे -7 रख देते हैं, यहाँ पे -7 हो जाएगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ये इक्वल टू के इधर 3 नंबर दिया हुआ है और इधर 2 नंबर दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है, 415 यहाँ दिया हुआ है और 3 इधर है जो नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे -3 इसको डाल देते हैं, इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल में और भी सब्जेक्ट के वीडियो आते रहते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।